हेलो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ देख पर पढ़ने को मिल जा रही। तिलका मुझे भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन आ गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, पढ़ने को मिल जाने पर नोटिफिकेशन आई तिलका मुझे भागलपुर यूनिवर्सिटी TMBU यूनिवर्सिटी की तरफ से। देख पा रहे हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। 15 जनवरी से जो कि शुरू है, जो कि 30 जनवरी दोस्तों लास्ट डेट है तक पीएचडी एडमिशन टेस्ट। देख पा रहे पैट में नामांकन के लिए यहाँ पर आपको नामांकन की पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, जिसके लिए आपको पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए आपको पीएचडी का एडमिशन टेस्ट होगा, पैट एग्जाम होगा दोस्तों। वो देख पा रहे हो यहाँ पे 3rd या 4th week ऑफ फरवरी में हो सकता है। चलिए बताते हैं पूरी आवेदन प्रक्रिया। तो जी दोस्तों, पहले उससे पहले ही कोई आपको जानकारी दे देते हैं जो कि जाना के लिए बहुत ही जरूरी होगा जाने के लिए। तो दोस्तों पढ़ने में अपडेट मिल जा रही पैट देख पा रहे पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट के लिए ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों यहां पर भर सकते हैं। तो TMBU में तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में बात करें, इस बार 354 सीटों के लिए दोस्तों पीएचडी एडमिशन टेस्ट होगा। 354 सीटें, इसमें पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी के छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वीवी ने रिक्तियाँ की जो सूची जारी की है उसमें से 3 विषय नहीं है। तो बताया गया है कि 3 विभागों से रिक्तियाँ नहीं मिली है। परीक्षा के लिए रविवार से ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों भरा जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में ध्यान दीजिए किसमें कितना सीट है दोस्तों, वो ध्यान दो। यहाँ पर अब बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों, यहाँ पर 7 सीटें पर होगा देख पा रहे हो पीएचडी। पोटैनी में 23 सीटें हैं, केमिस्ट्री में बात करेंगे तो 35 सीट है, फिजिक्स में 15, जूलॉजी में 10 सीट है, होम साइंस में 4, सांख्यिकी में 1, गणित में 18, भूगोल में 7, इतिहास में 20, IRPM में 29 है, संगीत में 18 है, मनोविज्ञान में 24 है 24 है, समाजशास्त्र में 1 सीट है, ग्रामीण अर्थशास्त्र में 28 28, गांधी विचार में दोस्तों यहां पर देख पा रहे 27, हिंदी में 10, मैथिली में 26, फिलॉसफी में 52, संस्कृत में 7, और पर्शियन में 5, बंगला में 1, कॉमर्स व MBA में 5, और लॉ में दोस्तों 1 रिक्त पर यहां पर PhD भी आप कर सकते हो दोस्तों। इन सभी आपको देख पा रहे हो यहां पर बात करें आप सभी के विषय सब्जेक्ट्स में इतनी सारी सीटें अभी हैं। और उसी के साथ दोस्तों बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ने को जाते हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एप्लीकेशन जो मांगा जा रहा है पीएचडी पैट आपको देखने को मिल जा रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पीएचडी पैट की एंट्रेंस एग्जाम जो होगी वो 3rd या 4th week यहाँ पे फरवरी में हो सकती होने की उम्मीद है। और इन सभी विषयों में दोस्तों आप पीएचडी कर सकते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले देख पा रहे थे कहीं भागलपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है TMBU UNIV.ac.in। को अप्लाई करोगे यहाँ पे पीएचडी में नामांकन के लिए तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में दोस्तों, आपको सबसे पहले वेबसाइट पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर एडमिशन का ऑप्शन मिलता है, आपको एडमिशन ऑप्शन पे क्लिक कर देना। दोस्तों मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पीएचडी का अप्लाई करने का लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के बॉक्स सेक्शन में दे दिए, वहाँ से जुड़ जाना। और अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ देंगे दोस्तों, वहाँ पर जुड़ जाना, वहाँ से डायरेक्ट अपना अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट दे देंगे। तो फिलहाल देख पा रहे एप्लीकेशन फोल्डर पर आप आ गए हो, तो यहाँ पर आपको पीएचडी में अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे पीएचडी पैट दोस्तों। यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करते हो तो देख पा रहे हैं पीएचडी के लिए यहाँ पे पोर्टल आगे खुल रही है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन पर दोस्तों, यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देनी है। फिर जी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो जो यहाँ पर यूज़र नेम दोस्तों आपको डालना है, पासवर्ड आपके पास तो फिलहाल तो अभी नहीं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बगल में यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई गलती नहीं करना, पीएचडी क्लास से आवेदन करनी है दोस्तों। ध्यान दीजिए, आपको पीएचडी में अप्लाई करने के लिए आपको छोटा सा पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपसे कुछ आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करो, पीएचडी आपको सब्जेक्ट ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको यहाँ पर अपना मेल डाल दीजिएगा, आपको जो ईमेल आईडी वो डालिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर पहले चूज कर लीजिएगा +91 देख पा रहे हो। फिर दोस्तों फर्स्ट नेम अपना डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम पूछ रहा है तो यूजर नेम दोस्तों यहाँ पे अपना चूज कर सकते हो, अपना कुछ अल्फा न्यूमेरिक यानी अपना नाम कुछ नंबर, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम हुआ ABCD, फिर दोस्तों 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार अपना यूजर नेम डालेंगे। और देखो अपना इंटर पासवर्ड, पासवर्ड को पासवर्ड पे क्रिएट करना है तो पासवर्ड आप अल्फा न्यूमेरिक भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, वही पासवर्ड दोबारा डालेंगे और एक कैप्चा डाल करके यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पर आपके मोबाइल नंबर या आपके मेल पर OTP आया होगा दोस्तों, इसमें से OTP यहाँ पर डालिए जी दोस्तों। इस तरह से आपको मेल आया होगा, मेल चेक कर लो यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कोड देख पा रहे हो TMU की तरफ से, इसमें आपको कोड देखने को मिलेगा, वो कोड यहाँ पर आपको डालना होगा दोस्तों। यहाँ पर कोड डाल दीजिए, आपको OTP पे मिला होगा जो भी अभी आपके मोबाइल पर आया है, ईमेल आईडी पे वो डालेंगे, सबमिट पे दोस्तों ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा दोस्तों आपके यहाँ पर डिटेल्स वेरीफाई कर लिया जाएगा। OTP देख पा रहा वेरीफाई आपका हो गया, आपको मैसेज दिखेगा सक्सेसफुली। फिर तो इस प्रकार देख पा रहे एडमिशन पोर्टल आ गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको यूजर नेम अब मिल गया होगा, वो डालेंगे, पासवर्ड और कैप्चर के यहाँ पर आपको साइन इन करना, अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड की मदद से यहाँ पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हो। तो उसके बाद अगला मैसेज आया होगा परफॉर, आपको मेल पर आईडी चेक करिए मेल पर कि TMBU एडमिशन पोर्टल प्रोफाइल आपका क्रिएट कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। और आपको अपने यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी डाले थे वो आपका यूजर आईडी है, जो पासवर्ड आपने चूज किया था उस वक्त वो पासवर्ड, तो ईमेल आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड आपको वहाँ पर डाल करके लॉग इन करनी होगी।
तो चलिए दोस्तों देख पा रहे हमने यहाँ पे अपना यूजर डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला, और ये आपके देख पा रहे हो यहाँ पे दिख रहा था ये कैप्चा, कैप्चा डाल दिया। और दोस्तों यहाँ पे साइन का आपको ऑप्शन मिलता है, साइन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों साइन पे ऐसे क्लिक करोगे आपको ऊपर देखने को मिलेगा वेलकम, आपका ये आपका एडमिशन इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर पीएचडी पैट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मेरे फ्रेंड देख पा रहे आप अप्लाई करोगे पीएचडी के लिए, आपको यहाँ पर ये आपका पोर्टल है टीएमबीयू का एडमिशन का। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप जो अप्लाई करोगे आपको कोर्स देखने को मिलेगा, आपको जो भी यहाँ पे फैकल्टी, आपको जो भी दोस्तों सब्जेक्ट है वो यहाँ पे फैकल्टी में देखने को मिलेगा, आपको जो भी डिपार्टमेंट है और सब कुछ पेमेंट आपको हो जाएगा, तो पेमेंट स्टेटस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर पीएचडी का ऑप्शन मिलता है पैट, दोस्तों आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर देनी है। तो चलिए दोस्तों देख पा रहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म में देख पा रहे हो डॉक्टर पीएचडी के लिए देख पा रहे हो पैट के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको भी कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाल देने होंगे, फिर आपको कोर्स का डिटेल्स आपको डालना है, पीएचडी कर रहे हो तो पीजी तक का सभी आपका डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी पीजी का दोस्तों और उसके साथ सब पूछेगा यूजी का, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मास्टर ये सब से किए हो, ग्रेजुएशन स्नातक जिससे किए हो, और उसके बाद दोस्तों इंटर का और मेट्रिक का सभी डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा। अकेडमिक डिटेल्स भी यहाँ पर डाल दीजिएगा, अकेडमिक डिटेल्स आपके पास जो भी सारा मार्क्सिट सब अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ये सभी, और देख पा माइग्रेशन सीएलसी ये भी, और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आप बाद में फॉर्म भर सकते हो, और आधा फॉर्म भर करके सेव ड्राफ्ट का भी ऑप्शन है जिसकी मदद से आप यहाँ पे फॉर्म को ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो अभी, नहीं तो टाइम बाद में भी भर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको भरने होंगे, आपका नाम पहले से भरा होगा, ध्यान रखिएगा जो भी आपको स्टार मार्क्स से दिख रहा है वो सभी चीज़ भरना जरूरी है, नाम पहले से डाला होगा, ईमेल आईडी को पहले से यहाँ पर डाला हुआ मिलेगा, मोबाइल नंबर भी। उसके बाद करें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, आपका जन्म कहाँ हुआ था, प्लेस ऑफ बर्थ दोस्तों ये लिखिएगा, इंटर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस पूछ रहा है कहाँ है, पटना गया ये सब जगह देख पा रहे हो, पूरा डिटेल में दे सकते हो। जेंडर आपका जेंडर क्या दोस्तों पे जेंडर पे चूज़ कर लेंगे ऑप्शन से देख पा रहे हो। फिर देख पा रहे हो इसके बाद पूछा जा रहा है कि फादर नेम गार्जियन का नाम डालेगा, मदर का नेम डालिएगा, और भी कोई यहाँ डाल सकते हो, गार्जियन की ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, वो जरूरी नहीं है देख पा रहे हो। आधार नंबर डालिएगा, आप मैरिशियल स्टेटस, आप मैरिड हो, विवाहित हो, सिंगल हो, मैरिड है, डिवोर्स है, ये विडोवर हो, ठीक है, वो दोस्तों यहाँ पे चूज़ करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए ये चूज़ कर लिए, आधार नंबर डाल दिए। अब रिजर्वेशन कैटेगरी देख पा दोस्तों यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, आपको किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे कैटेगरी दोस्तों क्या है, ये सभी कैटेगरी का फॉर्म भरा रहा है देख पा रहे, फिलहाल यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनरल का BC1 SC BC2 SC ST ठीक पा रहे देख पा रहे हो ना। चलो अब उसको ध्यान दो यहाँ पर सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में आपको नथिंग सेलेक्टेड, आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सेलेक्ट यहाँ पे नहीं करने की जरूरत आपको है। अब आर यू एलिजिबल फॉर डिफरेंटली एबल, अगर पर्सन है तो यस करेंगे तो नो करेंगे, ठीक है। फिर अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों, देख रहे हो स्टेट अपना चूज़ कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट तहसील किस तहसील से बिलोंग करते हैं, देख रहे हो आपको ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी शो कर देगा, वैसे से डालिएगा, विलेज पिन कोड, फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे देख रहे हो। फिर यहाँ पे दोस्तों सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देनी है। फिर तो देख पा आपको यहाँ पे सेवन नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक हो गया, फिर देखो आगे यहाँ पे आपको कोर्स का सिलेक्शन आपको पूछा जा रहा है, तो पर सभी फील्ड सभी यहाँ पे फील्ड दोस्तों भरना है देख पा रहे हो। कैंडिडेट एडमिशन पीएचडी पर एडमिशन के लिए मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए देख पा रहे हो, 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST BC OBC सभी को, यानी 55 से 50% देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों है, मास्टर डिग्री की है उस वक्त में पीएचडी कर सकते हैं। चलिए तो कोर्स आपने यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ कर लिया है डॉक्टरेट पीएचडी, अब दोस्तों फैकल्टी देख पा रहे हो क्या यहाँ पे चूज़ करना है, वो यहाँ पे चूज़ करेंगे आपका जो फैकल्टी है देख रहे हो डॉक्टरेट पीएचडी फैकल्टी, सब्जेक्ट क्या है वो देखो यहाँ पर पूरा आदेश दोस्तों गिवन है, आप लिस्ट यहाँ पे अच्छे से चूज़ करिएगा। तो हाँ अजी दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको लिस्ट दोस्तों देखने को मिल जा रहा है, इसमें आपको जो भी दोस्तों लिस्ट है पीएचडी का वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे देख पा रहे हैं, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस सभी का लिस्ट है। अब डिपार्टमेंट साइंस अगर आप चूज़ किए तो साइंस में डिपार्टमेंट क्या देख पा रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सब इसी में आ गया, तो मेरा केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पर चूज़ किया। चलो यहाँ पे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देनी है। फिर इसके बाद दोस्तों कोर्स सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, अब आपके एकेडमिक डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो पीजी आपका डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी का डिग्री का आपका नाम क्या है देख पा रहे हो, वो नाम दोस्तों चूज़ करिएगा यहाँ पर, MSc MCom जो भी किए हो, किस डिसिप्लिन में यानी कौन सा है दोस्तों देख पा रहे हो, तो अगर आप पीजी किए हैं यानी MA MSc किए हैं ना, तो MSc केमिस्ट्री से फिजिक्स से वो, और किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस कॉलेज से किए हैं, कॉलेज का नाम, किस ईयर, रिजल्ट आपका क्या स्टेटस क्या है, पास्ट है देख पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों, रिजल्ट स्टेटस यहाँ पर देखने का आपको मिल जाएगा, अवार्डेड है या अवेटेड है देख पा रहे, वो चूज़ कर सकते हैं, और ईयर ऑफ किस ईयर कम्प्लीट हुआ, कोर्स का ड्यूरेशन दोस्तों कितना था देख पा रहे हो, वो यहाँ पर चूज़ करेगा पीजी, एक साल के दो साल का था कोर्स का, अपग्रेड कैसा था, परसेंटेज CGPA में, और इवोल्यूशन पैटर्न क्या था दोस्तों, वो यहाँ पे जिस जाने डालेंगे आपका सेमेस्टर है या ईयरली है ठीक है। तो सभी डिटेल्स डालकर के आपको सेवन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपका ईयरली इवैल्यूएशन सिस्टम आप चूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको अपने सेमेस्टर वाइज दोनों सेमेस्टर का आपका जितना भी दोस्तों ईयर है, यहाँ पे ईयर आप कोर्स जो से डालते हो, मान लो आपका 3 साल का था, 5 साल का, 6 साल का था, आपको जो भी है वो, इस अलावा तो यहाँ पर दोस्तों आपको ईयर सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पर मार्क्स डालना है, कितना मार्क्स ऑब्टेंड है, कितना मार्क्स में परसेंटेज डालिएगा ओवरऑल, देख पा रहे, आपको अपलोड भी करना होगा मार्क्सिट भी यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में। अब मान लो अगर आपका ये ईयरली है, तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर ईयरली दोस्तों नहीं है, मान लो अगर आपके यहाँ पर हम बात करेंगे सेमेस्टर है, ठीक है हमारे दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर सेमेस्टर है, हाँ मान लो मेरा ईयरली नहीं, मान लो सेमेस्टर, तो अगर सेमेस्टर चूज़ करते हो तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज देखो पूरा दिया हुआ है डिटेल, अब किधर किस हर सेमेस्टर का आपको यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेंड डालना है, मैक्सिमम परसेंटेज डालनी है, और ओवरऑल ओवरऑल जितना को आया था, और 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों हमने यहाँ पे अपना सभी डिटेल्स डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे दोस्तों आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों देख पर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दोस्तों यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाल रहे हैं, आप पीजी का पूछ रहा है आपसे दोस्तों यहाँ पर, फिर आगे दोस्तों यूजी का पूछेगा, फिर सभी डिटेल्स यहाँ पर डालिएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर यूजी पीजी आपको बात करें यहाँ पर इंटर मैट्रिक सभी का दोस्तों मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, दोस्तों CLC माइग्रेशन सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको दोस्तों अपना एप्लीकेशन फी का उसको पेमेंट कर देनी है, उसको 1100 के आसपास आप रख सकते हो, यहाँ पर इसका फी हो सकता है, तब पेमेंट कर देना, पेमेंट आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर थी क्लिक करके आप एडमिशन का इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें भर लिए हो, और फिर आप डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करनी है या फिर आपको पेमेंट करना होगा। दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया तेलंगाना भागलपुर यूनिवर्सिटी में PhD पैट एडमिशन को लेकर। किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। और दोस्तों बात करें फॉर्म भरने के बाद इसके एप्लीकेशन को प्रिंट PDF करके, और जब पेमेंट करेंगे पेमेंट को प्रिंट करके अपने पास जरूर रखना।